हाय गाइज, सिनेमेटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली फैमिली के नाम पर इतने सारे फिजिक्स के लॉ और दर्जनों गाड़ियों को तोड़ने के बाद फैंस को जिस मूवी की फ्रेंचाइज से अब कोई होप नहीं थी, विन डीजल भाई साहब उसके 10th इंस्टॉलमेंट यानी के फास्ट एक्स का ट्रेलर लेकर आ गए है, यानी के द फास्ट सागा के फास्ट एक्स का ट्रेलर आ गया है। फास्ट एक्स का ट्रेलर लगभग 3.5 मिनट का है और ट्रेलर से मूवी की पूरी स्टोरी हमें पता चल जाती है। बाय द वे, इनकी मूवीज में स्टोरी होती नहीं लेकिन सह लेंगे। ट्रेलर के अकॉर्डिंग हमेशा की तरह इस मूवी में भी हमें समंदर जितना एक्शन और गाड़ियों की तोड़फोड़ और दर्जनों भर बड़े बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं। और इस बार मूवी में हमें जेसन मोमोवा एज विलन नजर आएंगे और ट्रेलर में तो वो काफी शानदार लग रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, विन डीजल इस रोल के लिए पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में हमें जेसन मोमोवा एज विलन दिखेंगे। अगर आपने द फास्ट सागा की सारी मूवीज देखी होंगी तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हर मूवी का विलन अगले मूवी से हीरो बन जाता है, और लगता है कि इस मूवी में भी ऐसा कुछ हो सकता है। और हो ही क्यों ना, फास्ट एंड फ्यूरियस फैमिली अपनी प्रतिष्ठा और अनुशासन के हिसाब से चलती है। पिछले पार्ट में जैसे जॉन सेना ना कोई ईस्टर एग्स और कनेक्शन के डोमिनिक का भाई निकला, सेम उसी तरह बिना किसी लॉजिक के इस पार्ट में ब्री लार्सन यानी अपनी कैप्टन मार्वल डोमिनिक की बहन होंगी। मूवी की कास्ट तो भाई साहब बहुत बड़ी है और ये इस फ्रेंचाइज की 11th इंस्टॉलमेंट है होप्स एंड शो को पकड़कर। और रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी के 2 पार्ट्स आएंगे, जिसमें ये पहला पार्ट होगा जो 19 मई को आएगा। लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने ट्रेलर को काफ़ी एंजॉय किया और जेसन मोमोवा के डायलॉग से डोमिनिक का टेंशन साफ साफ दिख रहा था। सारे लीडिंग कैरेक्टर्स मूवी में स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, ये देखकर ही मुझे गुजबम्स आने लग गए। और ट्रेलर में हमें पॉल वॉकर भी देखने को मिले, यानी जेसन मोमोवा का जो कैरेक्टर है वो बहुत सालों से डोमिनिक को मारना चाहता होगा, या सीजीआई के जरिए पॉल वॉकर को दिखाया गया होगा। मूवी को लुइस लेटरियर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पहली 2 ट्रांसपोर्टर की मूवी द इनक्रेडिबल हल्क, नाउ यू सी मी जैसी मूवीज डायरेक्ट की है। अब देखते हैं कि ये अपने 7th और 8th पार्ट की तरह कमाल की होगी या फिर अपने 9th पार्ट की तरह बेकार। तो दोस्तों, ये थे हमारे विचार फास्ट एक्स के ट्रेलर के बारे में। आपको ट्रेलर कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। He's coming for you with everything. What's the plan, Dom? I'm not sure anymore.